हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो टॉपिक कौन सा ले रखे हैं? इंटेग्यूमेंटी सिस्टम ही है, पता है, पीछे भी कई वीडियो कर चुके हैं। इंटेग्यूमेंटी सिस्टम में स्किन और स्किन के डेरिवेटिव आते हैं, जिसमें से अपन एक डेरिवेटिव है वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अपना जो डेरिवेटिव चलता है वो क्या चलेगा, क्यूटेनियस ग्लैंड लेंगे अपन। क्यूटेनियस जो ग्लैंड होती है कौन से टाइप की होती है? क्यूटेनियस जो ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन टाइप की है, एक्सोक्राइन टाइप की चलती है जो क्यूटेनियस जो ग्लैंड होती है वो। अब एक्सोक्राइन जो टाइप की है, अपना जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट के थ्रू डायरेक्ट कहाँ डालती है? ऑर्गन के अंदर डालती है। अब इसके कुछ टाइप दे रखे, जैसे एक्सोक्राइन है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है टाइप्स, लेकिन नाम आते हैं बार बार में, तो मैं अभी बता देती हूँ आपको। एक्सोक्राइन्स के अंदर देखिए क्या होता है, एक तो होती है मेरोक्राइन टाइप की। तो मेरोक्राइन के अंदर क्या होगा, जैसे देखिए ये बना दी कोई सेल, ठीक है, ये इसका सिक्रीशन हो गया। तो यानी कि जो सेल्स होती है वो बिल्कुल भी ब्रस्ट नहीं होती है, अपना जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ऑर्गन पे ले जाकर के छोड़ देती है। यानी ऐसा नहीं कि से मान लीजिए कोई सेल है, इसके अंदर जो सिक्रीशन होगा ट्यूब के थ्रू डायरेक्ट कहाँ डालेगी? ऑर्गन, यानी ब्रस्ट नहीं होती बिल्कुल भी। इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं स्लेवरी ग्लैंड ले लेते हैं। फिर एक आती है एपोक्राइन। एपोक्राइन का मतलब एपेक्स, अपेक्स का मतलब जिसका टिप पॉइंट होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने सिक्रीशन को क्या करेगी, डिस्चार्ज करेगी। जिसका एग्जांपल ले लेते हैं मेमेरी ग्लैंड। एक होती है होलो टाइप वाली। तो जैसे देखिए मान लीजिए ये सिक्रीशन है होलो टाइप का, यहाँ से कम जब भी इसमें सिक्रीशन फिल हो जाएगा तो ये सेल यहाँ से ब्रस्ट हो जाएगी, और सेल ब्रस्ट होकर के अपने सिक्रीशन को क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी। तो कंप्लीटली सेल ब्रस्ट हो जाती है, वो होलो टाइप की होती है। जिसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सेबियसिस। कौन सी हो जाएगी, होलो टाइप की सेबियसिस ग्लैंड हो जाएगी, ऑयल ग्लैंड हो जाएगी, ये होलो टाइप की ग्लैंड होती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ग्लैंड लेते हैं स्वेट ग्लैंड। क्या लेंगे, स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड में देखिए आपको कि यहाँ जैसे बना रखी, ये रही स्वेट ग्लैंड, पूरी स्ट्रक्चर किसकी, स्किन की है। ऊपर वाला पोर्शन है एपिडर्मिस का, नीचे वाला पोर्शन बना रखा है ये हो जाएगा डर्मिस, और डर्मिस के नीचे फैट कलेक्ट हो जाती है। देखिए जो स्वेट ग्लैंड होती है उसके अंदर ये किस फॉर्म में, कॉइल ट्यूबुलर फॉर्म होती है, कॉइल ट्यूबुलर फॉर्म है, डायरेक्टली ओपन इन द एपिडर्मिस, सीधे जाके कहाँ खुलती है, एपिडर्मिस में खुलती है। जो स्वेट ग्लैंड होती है उसका जो सिक्रीशन होता है उस सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, स्वेट बोलते हैं। इसका जो सिक्रीशन है वो क्या है, स्वेट। सिक्रीशन क्या है इसका, स्वेट हो जाता है। अब ये जो स्वेट ग्लैंड होती है ये एक तो है मेरोक्राइन टाइप की और एक है एपोक्राइन टाइप की। मेरोक्राइन का मतलब तो ये होता है कि जो सिक्रीशन होता है उसको डायरेक्टली कहाँ डिस्चार्ज कर देती है, स्किन के ऊपर ला करके डिस्चार्ज कर देती है, सेल होती है वो ब्रस्ट नहीं होती है। मेरोक्राइन टाइप के अंदर क्या होता है कि अपना जो सिक्रीशन है वो धीरे धीरे ड्रॉप की फॉर्म में डिस्चार्ज करती है, वो कौन सी होगी, एपोक्राइन टाइप की हो गई। ये वाली कहाँ मिलेगी, लिप्स। आपको याद हो तो अपनी जो लिप्स होती है वहां पे जब भी स्वेट आता है, तो जैसे मान लीजिए लिप्स के ऊपर जब भी स्वेट आएगा तो किसकी फॉर्म में आता है, ड्रॉप की फॉर्म में आता है तो स्वेट ग्लैंड ही, लेकिन सिक्रीशन ड्रॉप के फॉर्म में निकल रहा है, इसीलिए क्या हो जाती है, एपोक्राइन टाइप की हो जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है एपोक्राइन टाइप की स्वेट ग्लैंड, ये पाई जाएगी अपने आईलिड्स, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन्स में पाई जाएगी, एनस, निपल्स, यहाँ कौन सी पाई जाती है, कहाँ का, आईलिड्स, जेनाइटल्स ऑर्गन्स, एनस, निपल्स, यानी निपल्स का जो ब्रिस्ट होती है, जो ब्रिस्ट है उसका जो आउटर पोर्शन होता है उसको निपल्स बोला जाता है, वहां कौन सी पाई जाती है, एपोक्राइन, और बाकी पूरी बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, मेरोक्राइन टाइप की होती है। स्वेट ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, स्वेट। अभी स्वेट में क्या क्या कंटेन होता है, वाटर, कुछ अमाउंट में साल्ट भी होते हैं और यूरिया भी होते हैं। ये किस में होते हैं,
तो स्वेट जो ग्लैंड्स होती है ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है स्वेट ग्लैंड? अपनी जो हथेली होती है, प्लम्स, सोल्स, ठीक है, अंडर आर्म, यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑयल ग्लैंड की, जो ये बनी हुई। पहले तो देखिए ऑयल ग्लैंड कहाँ है, ये हेयर जो फॉलिकल है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ऑयल जो ग्लैंड होती है कौन से टाइप की है, होलोक्राइन टाइप की। इसका मीन्स क्या हो गया, जब ऑयल वाली जो सेल्स है ग्लैंड है, इसकी ग्लैंड की सेल्स में जब ऑयल है वो फिल हो जाएगा तो ये सेल्स क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली ब्रस्ट हो जाएगी, अपने सिक्रीशन को क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी। तो कम्प्लीटली सेल ब्रस्ट हो रही है तो वो कौन से टाइप की हो जाती है, होलोक्राइन टाइप की हो जाती है। फिर अपन ये बताते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बता दिया फॉलिकल के पास में प्रेजेंट होती है। अब ये जो ऑयल ग्लैंड जो होती है, मिल्क लाइक सिक्रीशन सिक्रेट करती है, जिसको सीबम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, यानी मिल्क के जैसा सिक्रीशन बनाती है, जिसको क्या बोला जाता है, सीबम बोला जाता है। ये जो सीबम होगा, जो ये हेयर साफ्ट है, इस हेयर साफ्ट को क्या करेगा, सॉफ्ट बनाने का काम करता है। तो हेयर साफ्ट को सॉफ्ट बनाने का काम किसका होता है, सीबम का होता है। सीबम ऑयल ग्लैंड जो मिल्क लाइक सिक्रेशन सिक्रेट करती है, जिसको सीबम बोला जाता है। साथ ही जो स्किन होती है इसको स्मूथ बनाने का काम भी करती है, और वाटर के लिए बैरियर होती है। जो ऑयल जो ग्लैंड होती है मोस्टली वहां पाई जाती है जहाँ हेयर प्रेजेंट होते हैं, बट बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ हेयर प्रेजेंट नहीं होते, फिर भी ये ग्लैंड क्या है, पाई जाती है। जैसे कहाँ प्रेजेंट होगी, अपने जो लिप्स होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द पेनिस, एंड जो मेमेरी जो ग्लैंड के फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, वहाँ हेयर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन वहां पे क्या पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। साथ में मेन पॉइंट ये कि जो ऑयल जो ग्लैंड होती है, ये वाली जो ग्लैंड है, ऑयल जो ग्लैंड होती है ये सनलाइट से विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है। तो स्किन के अंदर कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी, सॉरी विटामिन सी नहीं, विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है। तो ये फॉलिकल्स होते हैं, इनका क्या काम होता है ऑयल ग्लैंड्स का, कि सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का सिंथेसाइज करती है। तो स्किन के अंदर कौन सा विटामिन होता है या सिंथेसाइज किया जाता है स्किन के थ्रू, तो विटामिन डी। ये टॉपिक था कुछ ग्लैंड का। नेक्स्ट अपन ग्लैंड की बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए इसके बाद में एक ग्लैंड और कर लेते हैं, जिसका नाम है मेमेरी ग्लैंड। कौन सी, यानी ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड के बाद में कौन सी हो गई है, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेमेरी ग्लैंड से रिलेटेड। मेमेरी जो ग्लैंड होगी ये कहाँ प्रेजेंट होती है, थोरेक्स वाले चेस्ट वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। मेमेरी जो ग्लैंड होती है ये कंबाइंड ट्यूब्यूलर या फिर एयर सेक स्ट्रक्चर होती है इसकी, या तो ट्यूब की फॉर्म में पाई जाएगी या फिर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एयर सेक। ये लो, ये कौन सी फॉर्म हो जाती है, एयर सेक वाली फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसका जो टाइप होता है, यानी जो मेमेरी जो ग्लैंड्स होती है वो मैनी ट्यूब से मिलकर बनी होती है। इसका जो सिक्रीशन होता है वो कौन से टाइप का होता है, एपोक्राइन टाइप का। अब आपको पता ही एपोक्राइन कौन से, टिप पॉइंट से ड्रॉप बाई ड्रॉप अगर सिक्रीशन बाहर निकल रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, एपोक्राइन टाइप का। ये क्या सिक्रेट करती है, मेमेरी जो ग्लैंड होती है, मान लीजिए मेमेरी ग्लैंड है, क्या सिक्रेट करेगी, मिल्क को सिक्रेट करेगी। तो मेमेरी ग्लैंड एपोक्राइन टाइप की है, मिल्क का सिक्रीशन करती है। जो फीटस होते हैं, बेबी होते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। मेमेरी ग्लैंड की ग्रोथ के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये ध्यान में रखना। इनका डेवलपमेंट कौन से हार्मोन करते हैं फीमेल के, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो मेमेरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और मिल्क का सिक्रीशन कौन सा करता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो मिल्क को, तो मेमेरी ग्लैंड को तो कौन बनाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन,
मिल कौन बनाता है? ऑक्सीटोसिन। बस इतना ही ध्यान में रखना है। मेमरी जो ग्लैंड होती है एपोक्राइन टाइप की होती है। मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। जो मेमरी ग्लैंड होती है वो मिल्क को सिक्रेट करती है, और मिल्क को सिक्रेट करने वाले कौन से हार्मोन कंट्रोल होते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन किया जाता है। मेमरी जो ग्लैंड होती है वो एक टाइप मिल्क सॉरी जो ऑयल ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है, यानी ऑयल ग्लैंड ही किसमें मॉडिफाइड हो गई है? मेमरी ग्लैंड के अंदर मॉडिफाइड हो गई है। नेक्स्ट ग्लैंड की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।